इंट्रो देखकर तुम लोगों ने पता लगा ही लिया होगा कि मैं आज काफी खुश हूँ, और क्यों खुश हूँ ये भी पता लगा ही लिया होगा। तो इसीलिए मैं तुम्हें अलाइट मोशन के वन ऑफ द बेस्ट इफेक्ट के बारे में बताता हूँ, जो कि है ये कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या करता है, ये इफेक्ट आपकी लेयर को एक एडजस्टमेंट लेयर में कन्वर्ट कर देता है। और अगर आप में से बहुत से लोगों ने पीसी में वीडियो एडिट की है तो आप लोगों को पता ही होगा कि एडजस्टमेंट लेयर होती क्या है। और किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, एन एडजस्टमेंट लेयर इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव ट्रांसपेरेंट लेयर, जिससे आप कोई भी इफेक्ट लगाएंगे वो उसके नीचे की जितनी भी लेयर्स और प्रेजेंट होगी उस पर भी वो इफेक्ट अपने आप लग जाएगा। तो चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, और उसके लिए मैं काफी सारी लेयर्स ऐड करनी पड़ेगी इस वीडियो में। आज अरे और थोड़ा आगे एक और आएगा, तो अब यहाँ पर टोटल 3 लेयर्स हो गई और एक ये टेक्स्ट की लेयर, तो अब टोटल यहाँ पर 4 लेयर हो गई। और उसके बाद एडजस्टमेंट लेयर से तुम कुछ ऐसे इफेक्ट्स बना सकते हो, जैसे कि ये ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट, ये ग्लॉस इफेक्ट, और ये ह्यू शिफ्ट इफेक्ट, और ये स्केच इफेक्ट, एंड अगेन गोज ऑन। यार तुम्हारा काम हो गया, जाओ। तो जैसा कि मैंने कहा, लिस्ट गोज ऑन, अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का यूज करके इसे बहुत से अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम एडजस्टमेंट लेयर को कैसे बना सकते हो। सबसे पहले तुम्हें अलाइट मोशन में जाना है। अलाइट मोशन में जाने के बाद अब कोई भी अपनी शेप ऐड कर लेना, और अपनी कोई भी शेप ऐड करने के बाद उसको पूरा फिल्ड स्क्रीन पर कर देना कुछ इस तरह से। और उसके बाद तुम्हें अपनी वो शेप की लेयर सिलेक्ट करनी है और उसमें इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में जाने के बाद कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट लगाना है, जिससे ये लेयर तुम्हारी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी और जिस पर जो भी इफेक्ट लगाओगे वो नीचे की लेयर्स पर भी काम करेगा। पर एक बात याद है, तुम्हें इस एडजस्टमेंट लेयर को सारी लेयर्स के ऊपर बनाना है, या फिर अगर तुम्हें जरूरत है नीचे बनाने की तो दैट्स योर चॉइस। उसके बाद उसी लेयर को सिलेक्ट करो, इफेक्ट्स में जाओ और तुम्हें जो भी इफेक्ट्स लगाने हैं वो लगाओ। जैसे कि मैं ये ह्यू शिफ्ट इफेक्ट लगा रहा हूँ, और उसके बाद तुम इसे एनिमेट भी कर सकते हो एज नॉर्मल लेयर्स। तो एडजस्टमेंट लेयर का एक यूज तो ये होगा इफेक्ट्स लगाने के लिए। और अगर तुम्हें जैसे किसी का फेस को सेंसर करना है, या फिर और किसी गाड़ी के नंबर प्लेट को सेंसर करना है, या फिर ये सेंसरिंग में भी बहुत इजीली काम आता है। इसके लिए तुम्हें कोई भी शेप की एडजस्टमेंट लेयर बनानी है, जैसे भी तुम चाहो, स्क्वायर, सर्कल। उसके बाद उसे सेम कॉपी बैकग्राउंड का इफेक्ट लगाना है, जिससे वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। और उसके बाद तुम्हें ब्लर इफेक्ट लगा देना है, जो सा मर्जी ब्लर लगाना, गॉर्जियन ब्लर या मोज़ेक ब्लर, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कुछ इस तरह से तुम एडजस्टमेंट लेयर का यूज करके तुम एक सेंसर्ड इमेज या फिर वीडियो बना सकते हो। And if you are new here, just smash that subscribe button and join us. नहीं। और इस एडजस्टमेंट लेयर से तुम ट्रांजिशंस भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये 2 क्लिप्स लिए और इन दोनों क्लिप्स के बीच में मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर लगाऊंगा, और लेंथ तुम्हें अपने ट्रांजिशन के हिसाब से सिलेक्ट करनी है। और अपनी लेंथ सिलेक्ट करने के बाद तुम्हें उस एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तुम्हें कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट पे जाना है और कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट उसमें लगाना है। और उसके बाद कोई भी तुम अपना इफेक्ट यूज कर सकते हो, जिससे भी तुम ट्रांजिशन बनाना चाहो। जैसे कि मैं ये आरजीबी स्प्लिट इफेक्ट इसमें लगा रहा हूँ ट्रांजिशन बनाने के लिए। और अगर तुम्हें जरूरत पड़ती है तो अपने इफेक्ट को थोड़ा सा एनिमेट कर लेना, जिससे ट्रांजिशन और बेटर बन जाएगी। और उसके बाद ट्रांजिशन तुम्हारी कुछ ऐसी बन जाएगी। और इसी टेक्निक का यूज करके मैंने काइन मास्टर का लोगो भी रिमूव किया था। और अगर तुम्हें भी जानना है कि काइन मास्टर का लोगो कैसे रिमूव करते हैं तो ये वीडियो